उत्तराखंड के चार जिलों में दो दिन का लॉकडाउन आज और कल चार जिलों में रहेगा। और आपको बता दें, जिलों में पूर्ण तरह से लॉकडाउन रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, होटल भी खुले रहेंगे। कोविड कंट्रोल के लिए सरकार ने लिया है ये फैसला। लॉकडाउन के दौरान सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। तो चार जिले हैं जहां पर लॉकडाउन का ऐलान प्रशासन की ओर से किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये वो चार जिले हैं जहां पर लॉकडाउन रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए वीकेंड लॉकडाउन के जरिए संक्रमण फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास जिस तरह से केस आए हैं और विशेषकर जनपद उधम सिंह नगर और हरिद्वार देहरादून में, ये निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि इसको हम रोकें और इस दृष्टि से हमने फिर ये निर्णय लिया है कि हम सप्ताह में दो दिन ये लॉकडाउन करेंगे और इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, अवेयरनेस का काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान राज्य में सैनिटाइजेशन और सफाई पर फोकस किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही मुख्य सचिव और तमाम अफसरों ने वीकेंड लॉकडाउन पर सहमति जताई। वरिष्ठ अधिकारी जो इस अभियान में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो पूरे हमारी निगरानी प्रक्रिया से जुड़े हुए हों, उन सभी अधिकारियों के साथ अभी विस्तार में विचार विमर्श किया गया है। दो दिन के लॉकडाउन के जरिए सरकार आगे की रणनीति भी तैयार करेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड कंट्रोल के लिए अपने स्तर पर सभी तैयारियां पुख्ता किए जाने का दावा किया है। नंबर ऑफ टेस्ट जो हमारे हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उस टेस्ट के बढ़ने की वजह से जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़ा सा अभी बढ़े हैं, लेकिन हम लोग लगातार उसकी पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं अपने स्तर पे, सारे कलेक्टर्स हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब काफ़ी हमने सब्सटेंशियली और इम्प्रूव भी कर दी है। टेस्टिंग कैपेसिटी हमने काफ़ी बढ़ा दी है। प्रिवेंटिव मेजर्स में भी आप देखेंगे जो वीकली हमारे पास डेटा आ रहा है, जिसमें आप फेस मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के जो फाइंस हैं उनमें भी पिछले दो तीन हफ्तों में सब्सटेंशियली बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि हम लोग जो कोविड का संक्रमण है उसकी दर को बहुत कम कर सकें। सरकार की कोशिश है कि राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के केस कंट्रोल किए जा सकें। वीकेंड लॉकडाउन का फैसला फिलहाल इसी हफ्ते के लिए लिया गया है, यानी इसी शनिवार और रविवार को उत्तराखंड बंद रहेगा। सरकार को भरोसा है सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन के जरिए काफी हद तक संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। अब देखना यह होगा दो दिन का लॉकडाउन कोरोना कंट्रोल में कितना मददगार होगा और भविष्य के लिए सरकार क्या रोडमैप तैयार करेगी। सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रदेश में दो दिनों का लॉकडाउन रहेगा, शनिवार और रविवार को, और उसके बाद सरकार समीक्षा करेगी और अगले हफ्ते लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना है या फिर क्या कुछ किया जाना है, इस पर अगले हफ्ते समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी सोन परमार के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये वो चार जिले हैं जहां पर ज्यादा केसेस अब बढ़ने की, अगर हम संख्या देखें, वो बढ़ती हुई नजर भी आई और इसी वजह से प्रशासन का ये फैसला। देखिए बिल्कुल नैन्सी, पहले ये तस्वीर सामने आई थी कि पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बाद में शासन ने भी इस पर मंथन किया और मंथन के बाद देर शाम जब शासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं तो उसमें चार जिलों को लिया गया है, जिसमें कि देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल है। ये चारों वो जिले हैं जहां पर कोविड 19 के जो केसेस हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। और क्योंकि आज शनिवार और कल रविवार दो दिन जो बाजार हैं उनमें ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में दिक्कतें और ज्यादा इन क्षेत्रों में बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये जो चारों जिले हैं इनमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र
हैं जहां पर कि अब ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिनके ट्रेवल हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है जी। दूसरा, इन दो दिनों में ये चारों जिलों में सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। हालांकि इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जो दुकानें हैं आवश्यक सेवा से जुड़ी वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं शिफ्ट्स में वहां पर काम होगा। जो लोग बाहर से उत्तराखंड में आना चाहते हैं या जिनकी बुकिंग्स ऑलरेडी होटल में, वो लोग आ सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पर चेकिंग होगी। दूसरा, जिनके पास में पहले ही अपना कोरोना नेगेटिव का जो कागजात है वो रहेंगे तो वो लोग उत्तराखंड आ सकते हैं, उनकी एंट्री होगी। हालांकि बॉर्डर में चेकिंग जरूर होगी, सख्त चेकिंग होगी। ये कोशिश है सरकार की कि ये जो चार जिले हैं जिनमें कि कोविड 19 के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इनमें ये प्रयोग किया गया है दो दिन वीकेंड लॉकडाउन का, और इसके क्या रिजल्ट होते हैं अगले हफ्ते इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं तो फिर ये व्यवस्था और अगले हफ्ते भी की जाएगी, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि और ज्यादा कुछ सख्ती करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें उसी तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी। जी नैन्सी, यानी कि कुलदीप अभी सिर्फ एक हफ्ते में ही सिर्फ एक ट्रायल है, ट्रायल के तौर पर क्या रिजल्ट आता है उसके बाद तय किया जाएगा आगे का। देखिए बिल्कुल, हर शनिवार को मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं सभी जिलाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो हालात का जायजा लेते हैं, और इसमें न सिर्फ कोविड 19 को लेकर बातचीत होती है बल्कि मानसून सीजन में अब डेंगू भी पैर पसारता जाता है, तो ऐसे में डेंगू को लेकर भी इसमें बातचीत की जाती है जी। तो मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये जो चार जिले हैं जिनमें कि दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है, इसके क्या रिजल्ट रहते हैं, और अगर और भी जिलों में केसेस बढ़ते हैं तो फिर उसी हिसाब से उन जिलों के हिसाब से भी आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा। फिलहाल ये जो लॉकडाउन चार जिलों में किया गया ये इसी हफ्ते के लिए है, अगले हफ्ते समीक्षा के बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए कुलदीप।